ग्राहक के ऊपर बात होती है, जो ग्राहक चाहता है हमारे पे हर वैरायटी कोयल होती है। अच्छा जैसे देखो ये माइशा भी है हमारे पास, देखो अच्छा माइशा का भी कोयल हाँ, लगाते देखो हो, ये माइशा भी लगती है, ठीक है। ये माइशा में एक और मॉडल है, देखो ये भी है माइशा। अच्छा ये ऑडियो टोन भी होती है हमारे पास, देखो ये। अच्छा ऑडियो टोन है। हाँ ये एक अभी नया ब्रांड, ये 15 इंची है, नहीं 12 इंची अभी है, 12 इंची है। अच्छा ये 500 वाट के अंदर, ये 12 इंची 500 वाट में। हाँ जी 10 इंची का भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है भाई, टम्पू के ऊपर लगाते हैं 10 इंची, 2 स्पीकर, 3 हाइस वगैरह लगा के, जिसे कहते हैं लाइनर वगैरह अपने भाषा में। तो भाई ये स्पीकर रहने वाला मार्किंग दे। और ये चल रहा भाई नया कुछ के पीडी मॉडल है ये, है ऑडियो टोन कॉपी। अच्छा ऑडियो टोन का कॉपी। हाँ भाई ऑडियो टोन के भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं ये ऐसे स्पीकर कट वाले। तो ये हेलो गाइस, सही भाई को राम राम। तो भाइयों आज का मेरा ब्लॉग बनने वाला है भाई कि स्पीकर वगैरह जो अगर किसी को रिपेयर कराना हो या नए बनवाने हो बजट के हिसाब से, तो वो चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी वगैरह दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी अपने घर से निकल रहा हूँ भाई, ये नई दिल्ली के आगे है, थोड़ा सा स्टेशन के आगे पड़ता है हमदर्द, वहाँ पे स्पीकर वगैरह रिपेयर होते हैं और वहीं पर नए नए स्पीकर बनते हैं। तो किसी भाई को भी 10 इंची, 12 इंची, 15 इंची, 18 इंची मतलब रिपेयर कराने हो या नए लेने हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है, मैंने भी चलाया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बनाते भी हैं और नया भी देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और उनके पास जाके आपको स्पीकर की जानकारी वगैरह दूंगा, कौन से स्पीकर कैसे बनाते हैं और क्या रेट हैं, रेट के बारे में जानकारी भी आपको कुछ मिल जाएगी और जानकारी वगैरह। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ और आप मेरे ब्लॉग में बने रहना भाई और नए नए स्पीकर की जानकारी वगैरह लो। और भाई जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना भाई, मतलब कि स्पीकर काफ़ी बंदे चला रहे हैं, काफ़ी डीजे वाले चला रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा किसी का, पर काफ़ी डीजे वाले चला रहे हैं, कोई किसी ने बताया नहीं होगा। तो उन भाई का भी आया था मेरे पास कि हाँ भाई मेरा थोड़ा सा वीडियो भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैंने भी सोचा कि यार सब भाइयों को पता चले, अगर किसी को हाथ के हाथ स्पीकर बनवाने हो तुरंत गए, तुरंत बनवा के ले आए 1-1.5 घंटे में, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो इस चलते में मैं जानकारी वगैरह देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्यों मैं ऐसे कुछ हटके वीडियो बनाता रहूँगा, जानकारी वगैरह दूंगा, ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा कि सभी डीजे वाले को जानकारी वगैरह मिले। तो फिलहाल चलते हैं भाई स्पीकर लेके, एक स्पीकर मैं भी लेके जा रहा हूँ भाई, इस माने एक स्पीकर रिपेयर भी हो जाएंगे मेरे और होके भी आ जाएंगे। तो मैं स्पीकर भी दिखा देता हूँ आपको कौन सा लेके जाने वाला हूँ, और इस स्पीकर लेके जाके मैं वहाँ पे रिपेयर भी कराऊंगा और आपको मैं वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। चलते हैं फिलहाल। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई, ये पड़ता भाई नई दिल्ली के आगे हमदर्द पड़ता है, हमदर्द के आगे है। तो मैं आपको दुकान दिखा दूं भाई, सामने दुकान है, गली इनके सामने ये ऐसी बिल्डिंग है जो कि भाई कोई आए तो देख सकते हो, ये भाई दुकान रहने वाली है जहाँ पर स्पीकर वगैरह बनते हैं। तो RDX करके इनका ब्रांड है भाई, स्पीकर वगैरह भी बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगा आपको, अंदर से देख सकते हो, अंदर वगैरह माल वगैरह रखे पड़े हैं और रिपेयरिंग के पूरे, मतलब कि नया बनाना हो नया बना सकते हो, पुराना बनाना हो बनाना बनाओ। ये हमारे सोन भाई, सोन भाई राम राम, बढ़िया जी, ये उनके दो भाई हैं, बाकी इन्हीं से बातचीत वगैरह करेंगे भाई और आपको जानकारी वगैरह देंगे, नए स्पीकर बनवाने हो या रिपेयर करवाने हो सारे। वैसे तो काफ़ी डीजे वाले जानते होंगे इनको और करवा के भी लेके जाते हैं, सभी डीजे वाले को पता चल जाएगा भाई कि कहाँ से RDS स्पीकर बनते हैं और रिपेयर होते हैं। तो चलते हैं भाई, भाई से बातचीत करते हैं। तो भैया मैं भाई भैया से बातचीत करते करते बाकी मैं आपको अपनी रिपेयरिंग भी दिखाता रहूँगा। तो भैया ये अभी रिपेयरिंग कर रहे हैं, भैया कौन सा स्पीकर अभी रिपेयर कर रहे हो आप? ये 18 इंची है, 5 इंची कॉइल के अंदर, 2000 वाट। 2000 वाट, हाँ 18 इंची। 18 इंची और मैं सजा जैसे मोटर वगैरह स्पीकर वगैरह भी बनाते हो आप शायद? सब चीज़ मिल जाएगी, सब चीज़ अवेलेबल होता है हमारे पास, रिकॉर्डिंग करवाओ नया लो सब चीज़ अवेलेबल होता है, नया बनवा लो बनवा लो। अच्छा और इंस्टेंट भी काम करते हैं हम, तुरंत लेके आओ आप 1-2 घंटे के अंदर रिपेयर करके तुरंत हाथों हाथ दे देंगे, तुरंत मिल जाएगा। हाँ तो थोड़ा सा भैया, तो पहले तो भैया मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, जैसे थोड़ा एड्रेस बता दो यहाँ पे, जैसे किसी भाई को नया आना हो यहाँ पे तो कुछ एड्रेस बताओ, कैसे आए बंदा, कहाँ पे पड़ता है? नियर बाई कमला मार्केट के पास है हमदर्द गोल चक्कर, हमदर्द दवाखाना। अच्छा नियर बाई पड़ता है कमला मार्केट, उसके बाद जस्ट पास में ही है, 5 मिनट की दूरी पे। अच्छा अगर इंडिया गेट की तरफ से आओ तो नई दिल्ली होते हुए सीधे आ सकते हो? हाँ हाँ हाँ, नई दिल्ली होते हुए हमदर्द गोल चक्कर पे आके, और हमदर्द की बैक साइड में बिल्डिंग है हमारी। अच्छा तो बाकी भैया मैं इनका जैसे जो एड्रेस है उनका मैं नंबर भी डाल दूंगा, तो आप कांटेक्ट करके इनका लोकेशन वगैरह मंगवा सकते हो, ठीक है भैया? बाकी हर कंपनी का स्पीकर रिपेयर करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है स्पीकर में, कोई भी कैसा भी फॉल्ट हो आपका। अच्छा हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास, है। हम ग्राहकों का भी निराश होकर वापस नहीं करेंगे कि ये काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हाँ।
तो मेन बात यह है कि भैया देखो अभी खाली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं भैया से पूछ के ही आया हूँ कि खाली हो तब आया हूँ, नहीं तो भाई मैं हमेशा आया हूँ तो भीड़ भी लिए मैं तो काफ़ी पुराने से स्पीकर बनवाता हूँ तो यहाँ पे भीड़ रहती है तो बना नहीं पाता मैं वीडियो, तो आज भैया ने बोला आज खाली है आज आ जाओ तो मैं आज आके आपको खाली दिखाऊँ, नहीं तो भाई पूरी यहाँ पे जब बैठने की जगह तक नहीं मिलती। तो अभी भैया जो आप बना रहे हो अभी 18 इंची के स्पीकर 5 इंची गुल्ले में बना रहे हो, 5 इंची गुल्ले और देखने में भाई देखो आप देख सकते हो सरदार के स्पीकर आए हुए हैं रिपेयर होने के लिए, मोहर देख के ही आपने बता दिया होगा कि भाई सरदार के स्पीकर हैं। तो ये है और कुछ ये रहे नए बने हुए, ये सब रिकॉर्डिंग है सब देखो रिपेयरिंग, यही देखो सरदार के, ये भी सरदार के बने हुए रिपेयरिंग, मतलब जो बंदा सरदार भी चला रहा है ना काफ़ी चीज़ माल वगैरह देख सकते हो नए नए बनवाने हो पुराने बनवाने हो तो यहीं से बनवा ले जाते हैं, बाकी नया माल वगैरह ऊपर यहाँ दुकान है हमारी बैक साइड में गोदाम है, कच्चा माल मटेरियल सब वहाँ पे होता है। अच्छा माल अच्छा गोदाम जहाँ पहले काम होता था, हाँ हम मेन रोड पे दुकान ले लिया पहले उसे गोदाम बना दिया, हम सब कच्चा माल मटेरियल सब वहीं होता है। अच्छा अच्छा यहाँ सिर्फ काम का सामान काम का सामान वगैरह लाते हो, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता रहूँगा थोड़ा थोड़ा देखते रहना रिपेयरिंग किस तरीके से होती है। तो भैया मैं स्पीकर के लिए जैसे पूछूं, जैसे इतनी सारी कोयल वगैरह रखी हुई है तो कौन सी कोयल डालने वाले हो अभी फिलहाल इसमें? अब इसमें देखो ग्राहक के ऊपर बात होती है, जो ग्राहक चाहता है हमारे पे हर वैरायटी की कोयल होती है। अच्छा जैसे देखो ये माइशा भी है हमारे पास, देखो अच्छा माइशा का भी कोयल लगाते हो, ये माइशा भी लगती है, ठीक है ये माइशा में एक और मॉडल है देखो ये भी है माइशा। अच्छा ऑडियो टोन भी होती है हमारे पास देखो ये, अच्छा ऑडियो टोन है, हाँ ये एक अभी नया ब्रांड है सोसिस ये भी होती है। अच्छा मतलब हर वेरा जो पार्टी चाहती है जो कि हाँ पार्टी संतुष्ट होनी चाहिए हमारी तरफ से। अच्छा कस्टमर संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा। जो वो जो कहेगा उस डिमांड पे, सबके रेट अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कॉइल में डिफरेंस होता है। अच्छा अच्छा बस वो जो लोकल नहीं लगाते हैं, हम सब इम्पोर्ट काम करते हैं, इम्पोर्टेंट माल हाँ लगता है। सब इम्पोर्ट माल जैसे किसी भाई को जैसे माल जैसे कोयली खरीदना हो या कुछ लूज वो मिल जाएगा कोई बात नहीं, तो भाई किसी भाई को अगर लूज सामान खरीदना हो जैसे खुद भी बनाना चाह रहा हो तो ले जा सकते हो, कोयल पर्दा स्पार्टर कुछ भी सामान इनसे खरीद सकते हो, तो मैंने भैया का नंबर डाल रखा है तो कॉन्टैक्ट कर लेना। तो भैया जैसे अभी नया माल कुछ रखा पड़ा है जैसे कि ये सामान रखे पड़े तो इसे स्पीकर वगैरह खोल के दिखा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये लाइनर के लिए बने हैं देखो मॉडल ये। अच्छा लाइनर हाँ के लिए। ये दो वेरायटी अभी नई बनाई है हमने, 12 इंची के अंदर एक 10 इंची के अंदर। अच्छा ये लाइनर के लिए बनाया हमने, ये 15 इंची है नहीं 12 इंची है, ये 12 इंची है। अच्छा ये 500 वाट के अंदर, ये 12 इंची 500 वाट में, हाँ जी बहुत बेस्ट क्वालिटी है, चीप एंड बेस्ट, 3000 रुपए का प्राइस है इसका। अच्छा 3000 इंपोर्टेड कॉइल है, इसमें ऑडियो टोन देख सकते हो भाई, ये जो स्पीकर 12 इंची आजकल काफी ज्यादा चल रहा है 12 इंची, जैसे कि गाड़ी के आगे लटकाने का सिस्टम या ऊपर लगाने का 12 इंची का काफी क्रेज चल रहा है, तो आप ये स्पीकर ले सकते हो भाई। ये स्पीकर मात्र कितने का भी है? 3000 रुपए का, 3000 रुपए का पड़ेगा। इम्पोर्टेड कौन है, इम्पोर्टेड कॉइल है, टोटल मटेरियल इम्पोर्टेड ही, इम्पोर्टेड सारा माल लगा हुआ है। तो ये रहने वाला भाई आपको 12 इंची का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, देखो ये 10 इंची के अंदर और ये आपका 10 इंची का रहने वाला है, 10 इंची का भी काफी ज्यादा चल रहा है भाई, टेम्पू के ऊपर लगाते हैं 10 इंची दो स्पीकर 3 हाइस वगैरह लगा के जिसे कहते हैं लाइनर वगैरह अपने भाषा में। तो भाई ये स्पीकर रहने वाला, मार्किंग दे रखी है, ये आपकी स्पीकर की मार्किंग है। हाँ जी। तो ये स्पीकर है भाई का और ये मार्का है पूरा, तो भैया ये स्पीकर का रेट क्या रहने वाला है? इसका 200 रुपए का, इसका 2800 रुपए, ये 2800 रुपए का, बाकी वाटे सेम रहेंगे, 500 वाट है 3 इंची वॉइस कॉल। अच्छा 500 वाट ये भी है, 500 वाट वो भी है, 3 इंची वॉइस कॉल दोनों। अच्छा 3 इंची दोनों कॉइल है, और कॉइल कौन सा रहने वाला है इसका? ऑडियो टोन का इन आउट। अच्छा इन आउट का, हाँ तो माल सारा इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको, ओके की रिपोर्ट है, वजन भी काफी अच्छा है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा ही आएगा जहाँ तक है। इसमें हम बेस की वरायटी भी दिखा सकते हैं आपको, देखो। अच्छा ये बेस का माल वगैरह देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग पे मतलब माल बना के तैयार रखते हैं, किसी भाई को अर्जेंट में चाहिए तो आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। तो फिलहाल ये अभी बेस का स्पीकर दिखा रहे हैं भैया, जो कि अभी बना के रखे हैं पहले से ही, काफ़ी ज़्यादा माल देख सकते हो इधर भी बने पड़े हैं पूरे काफ़ी ज़्यादा पेटी में से। और ये चल रहा भाई नया कुछ हटके पीडी मॉडल है ये, ऑडियो टोन कॉपी। अच्छा ऑडियो टोन का कॉपी, हाँ भाई ऑडियो टोन के भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं ये ऐसे स्पीकर कट वाले, तो ये स्पीकर है ना इसमें भैया ऑडियो टोन के ही सारे माल वगैरह? हाँ कॉइल ऑडियो टोन की, कौन इम्पोर्टेड है इसमें? अच्छा हाँ माल मटेरियल हम इम्पोर्टेड ही यूज़ करते हैं। अच्छा ये बेस रहने वाला भाई, इसका रेट भैया कुछ बताओगे आप? इसका रेट हम आपको दे देंगे 9000 रुपये, 9000 रुपये में, 9000 5 इंची कॉइल में, 5 इंची कॉइल।
देख सकते हो भैया 9,000 रुपये में इम्पोर्टेंट माल ऑडियो टोन का बना हुआ पूरा मार्केट के अंदर, इससे सस्ता भी मिल जाएगा आपको, मगर हमारा थोड़ा हम क्वालिटी मतलब जैसे क्वालिटी संभाल के बनाते हैं। अच्छा, ताकि क्वालिटी स्पीकर की बनी रहे। जी, क्वाले वगैरह मटेरियल सब इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं। अच्छा हाँ, तो भाई देख सकते हो जो कि भाई सरदार के जो स्पीकर चला रहे हैं वो भी बंदे रिपेयर कराने के लिए आते हैं। आपको खुद मैंने दिखाया है ये सरदार के, ये रिपेयर होके रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो इन भाई को कितना आइडिया होगा, ऑडियो टोन का भी सारा सिस्टम बना रखा है और बाकी सारा माल दिखा रखा है। तो बाकी भाई आपको मैंने नंबर डाल ही रखा, भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई सा भी स्पीकर लेना हो, हाइस वाइज कुछ भी चीज़ लेना हो, कॉन्टैक्ट करना भाई और आगे एक बार मेरे कहने से जरूर मिलना। और बहुत बंदे तो आते होंगे और देखा भी होगा इन्होंने, तो मेरे कहने से जो नए बंदे प्लीज़ एक बार आना और एक बार इनका माल चला के देखना कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो भाई हमने एक स्पीकर रिपेयर भी करवाया है इनसे, बाकी भाई आप सबको एक बार मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके रिपेयरिंग जरूर देखना। इनकी रिपेयरिंग ना एक नंबर है भाई, मतलब बिल्कुल नया जैसा स्पीकर बना दिया इन्होंने, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है पूरी रिपेयरिंग। तो आज तक के लिए ब्लॉग इतना ही, छोटा सा है बहुत, मतलब जानकारी मैंने आपको बताई है, बाकी मैंने भैया का नंबर डाल रखा है, कॉन्टैक्ट करना और एक बार जाके जरूर मिलना। तो आज तक के लिए ब्लॉग इतना ही, सही भाई को राम राम।